Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Sohail Ijaz aur aaj hum lecture number 33 mein page number 103 law of segregation ko discuss karenge. So law of segregation. Diploid organisms carries two copies of a given gene which segregate into a single copy during the gamete formation. This is the statement of law of segregation. The statement is that diploid organism carries two copies of a given gene. For example, diploid organism which having two in number of chromosome. Okay? So here the diploid organisms carries two copies of a given gene. हम जानते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक या एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाइट ले लें. सो फॉर हाइट द पेयर ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी विच इज़ टॉलनेस एंड विच इज़ टॉल एंड शॉर्ट. ठीक है. सो फिर अगर टाल अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टाल आएगा. अगर शॉर्ट अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं तो वो शॉर्ट आएगा. अगर टाल एंड शॉर्ट जो है दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो मिड में रिजल्ट आएगा. लेकिन बेसिकली जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है द डिप्लाइड ऑर्गेनिजम्स कैरीज टू कापीज ऑफ अ गिवन जीन. सो फॉर एग्जाम्पल हेयर द टू कापीज ऑफ अ गिवन जीन इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज बेसिकली टाल एंड शॉर्ट विच सेग्रीगेट इन टू अ सिंगल कापी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन विच इज दीज टू कापीज ऑफ अ जीन दे आर सेग्रीगेटेड इन टू सिंगल कापी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन मीन अगर ह्यूमन ले ले आप तो स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान और ओवा फॉर्मेशन के दौरान ये जो पेयर कापी ऑफ अ जीन है वो सिंगल कापी में सेपरेट होगा सेग्रीगेट होगा. सो फॉर एग्जाम्पल हाफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आएंगे और हाफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आएंगे. ठीक है. सो इट विल फॉर्म द ब्लेंड आर द मिक्सचर ऑफस्प्रिंग बनाएगा. इसको हम कहते हैं एफ वन जनरेशन. मीन के पहला जो है वो ऑफस्प्रिंग बना. लेकिन फिर ये ऑफस्प्रिंग जब स्पर्म बनाता है सो स्पर्म इज बेसिकली स्पर्म गैमेट इज बेसिकली हैप्लाइड. सो इससे हाफ क्रोमोसोम स्पर्म में जाएंगे. ठीक है. इसी तरह अगर ये ओवा बनाएगा. ठीक है. सो हाफ कैरेक्टरिस्टिक ओवा में जाएंगे. सो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिप्लाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एलील कहते हैं. सो द पेयर ऑफ जीन इज प्रेजेंट एंड द पेयर ऑफ जीन्स इज सेग्रीगेटेड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशंस. So this is the statement of law that when a diploid organism consists of pair of genes and the pair of are the copy of the genes basically segregated into half during the gamete formation. So the statement is that diploid organism carries two copies of a given gene. Ek living organisms mein एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए टू कॉपीज ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट है. सो हाइट के लिए टू कॉपीज ऑफ जीन होंगे. मीन टाल भी होगा और शॉर्ट भी होगा विच सेग्रीगेट इनटू सिंगल कॉपी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के दौरान बेसिकली ये कॉपी ऑफ जीन सिंगल को कन्वर्ट होगी. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. सो मेंडल टुक ट्रू ब्रीडिंग टालपी प्लांट. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग टालपी प्लांट ले लिया. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यह है कि अगर टाल ट्रू ब्रीडिंग है तो वो टाल ही ऑफस्प्रिंग देगा. अगर ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट है तो ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट देगा. ऐसा नहीं है कि टाल ट्रू ब्रीडिंग है
वो शॉट देगा, ऐसा नहीं है। अगर टाल ट्रू ब्रीडिंग है तो इसके ऑफस्प्रिंग भी टाल होंगे, अगर शॉट ट्रू ब्रीडिंग है तो इसके ऑफस्प्रिंग शॉट होंगे, इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। सो ट्रू ब्रीडिंग टाल पी प्लांट ले लिया और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार पी प्लांट ले लिया। ट्रू ब्रीडिंग टाल को हम कैपिटल टी सी डिनोट करते हैं, शॉट को हम स्मॉल टी सी डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली पेरेंट है। ट्रू ब्रीडिंग टाल पी प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग शॉट पी प्लांट, दीज आर बेसिकली पेरेंट्स। जब दोनों पेरेंट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, सो दिस इज पेरेंट विच हैविंग टाल हाइट एंड दिस इज द पेरेंट विच हैविंग शॉर्ट हाइट। आप प्लांट ले ले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले ले, लेकिन मेंडल जो था इसने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था। सो टाल जो है बेसिकली इससे हाफ क्रोमोसोम आएंगे। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले ले ह्यूमन, इसमें 46 क्रोमोसोम है, सो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है, सो इससे हाफ क्रोमोसोम आएंगे 23। सो 23 एंड 23 इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पे डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो हाफ क्रोमोसोम यहाँ से आ गए टाल से, और हाफ क्रोमोसोम यहाँ से आ गए शॉर्ट से, एंड वी गेट द F1 जनरेशन। F1 generation is basically is the blend of characteristic which having capital T and as well as having the small t. So the F1 generation are the offspring having having both of the characteristic, they having short and tall as well, but according to law of dominance the F1 generation should be dominant, mean the F1 generation सारे के सारे हमारे पास टाल होंगे। सो द F1 जनरेशन इज डोमिनेंट टाल, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट द ड्वार प्लांट इज डिसअपेयर। अगर आप पेरेंट्स में देंगे, सो पेरेंट्स में हमारे पास एक शॉर्ट था एक टाल था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन सारे के सारे हमारे पास टाल है। सो इस वजह से इसमें जो ऑफस्प्रिंग जो है वो टाल है, सो शॉर्ट कहाँ गई। सो ये क्वेश्चन अराइज हुई कि F1 जनरेशन जब हम टाल और शॉर्ट को क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन हमेशा जो है वो टाल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो द क्वेश्चन इज मेंडल अराइज अ क्वेश्चन दैट ड्वार प्लांट इज डिसअपेयर्ड इन द F1 जनरेशन, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स में प्रेजेंट था शॉर्ट, लेकिन F1 जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? दोनों प्रेजेंट है, को एग्जिस्ट है, लेकिन एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। सो द रिसेसिव डोंट एक्सप्रेस योर कैरेक्टरिस्टिक, सो दिस इज व्हाई वी कैन से दैट ड्वार प्लांट इज डिसअपेयर इन द F1 जनरेशन। सो मेंडल ने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऐसा किया कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेट द F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन आ गया था, जो F1 जो पहले ऑफस्प्रिंग आ गए थे F1 जनरेशन में, इसने इसको सेल्फ पॉलिनेट किया। सो ही व्हेन वी मल्टीप्लाई द F1 मल्टीप्लाइड बाय F1 मीन द F1 ऑफस्प्रिंग, F1 mean the filial generation, filial is from phallus and phallus mean offspring. So pehle offspring ko jab aapas mein cross kar diya, so F1 multiplied by F1, theek hai, so hamare paas F1 tha ye wala according to law of dominance tall, theek hai, so F1 multiplied by F1, so hamare paas result aa gaya when we crossed the F1 multiplied by F1, so we get tall, and here according to law of dominance this is tall, and we get capital T and small t. Sorry. ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी क्रॉस कैपिटल टी विथ कैपिटल टी, सो वी गेट बोथ ऑफ देम इज कैपिटल टी,
So when we cross capital T with small t, so we get one capital and one short, capital T and small t, small t and small t. So we get result capital T, ठीक है, and so result में ये तीनों जो है ये हमारे पास tall है, ठीक है, and one is short. लेकिन हमारे पास ये जो दो है, दो result है, according to law of dominance this is tall but not true breeding. यहाँ पे ये power breeding strain है और ये दोनों power breeding strain नहीं है. तीनों जो है ये भी tall है and according to law of dominance ये भी tall है, ये भी tall है, लेकिन true breeding strain ये नहीं है और ये true breeding strain है. So mean tall is basically 3 and short is 1. So we get the ratio 3:1. मीन अगर हमारे पास F1 जनरेशन सारे टाल होंगे और हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करेंगे, सो बेसिकली F2 जनरेशन में हमारे पास रिजल्ट आएगा, मीन दूसरी जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएंगे F2 जनरेशन में, सो हैविंग द रेशो 3:1. सो अगर हम F1 जनरेशन में देखें, सो हमारे पास शॉर्ट पेरेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं थी. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जब मेंडल ने F1 जनरेशन को F1 से क्रॉस किया, तो F2 जनरेशन में हमारे पास शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रीअपेयर्ड हो गए, ठीक है. सो ही कंक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट दैट with an individual heredity information came in paired unit. So इसने ये नतीजा अहस किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए कॉपी ऑफ अ जीन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कॉपी ऑफ अ जीन द इंडिविजुअल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैम इन पेयर्ड यूनिट, ठीक है, बट बोथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक they coexist in the living organism, but during the gamete formation, the paired genes are separated at random. Pair of copy of a gene present होती हैं, लेकिन gamete formation के दौरान वो जो है copy of a gene जो है it converted into single. Each gamete receives only one of the two forms. ठीक है, वन ऑफ द टू फॉर्म्स मीन कॉपी ऑफ अ जीन है, सो कॉपी से एग जीन जो है इसको ट्रांसफर होगी, वो रिसीव करेगी. दिस लेड मेंडल टू प्रपोज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इस वजह से मेंडल को एक रिजल्ट मिल गई और इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज कर दिया. सो बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, ठीक है, टालनेस भी है और शॉर्टनेस भी है. सो जब इससे गैमीट बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्पर्म, सो वी नो दैट स्पर्म फॉर्मेशन इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. सो मियोसिस के ज़रिए से जो सेल बनते हैं वगैरह, जो बॉडी बनती है, वी नो दैट हैविंग इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हैप्लॉइड होगी. सो दिस इज़ वाई अगर फीमेल है और इससे ओवा बन रही है, ठीक है, सो वी नो दिस इज आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ ओवोजेनेसिस, एंड ओवोजेनेसिस जो ओवा फॉर्मेशन हमारे पास होती है, दिस इज आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एंड वी नो दैट मियोसिस की रिजल्ट में हमारे पास जो बॉडी बनती है, जो सेल बनता है, वो होता है हैप्लॉइड इन नंबर. सो बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिज्म is diploid in number, लेकिन यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन है स्पर्म या ओवा, सो कॉपी ऑफ अ जीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉपी ऑफ अ जीन प्रेजेंट होती है, लेकिन कॉपी ऑफ अ जीन्स दे आर सेग्रीगेटेड आर सेपरेटेड इंटू सिंगल, यहाँ पे सिंगल, ठीक है. सो दिस the copy of a gene is converted into single during the gamete formation. So this is basically the statement of law of segregation that the diploid organisms carries two copies of a given gene.
लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू कॉपी प्रेजेंट होते हैं विच सीग्रीगेट इनटू सिंगल कॉपी ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी. थैंक यू सो मच.